हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी ट्विस्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी कॉर्न्स। इसके लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स में मेन स्वीट कॉर्न्स लिए हैं, जो कि फ्रोजन कॉर्न्स है मेरे पास। एक बड़ा बाउल, 2 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर के लिए, और 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ लिया, और नमक 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर नमक लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्च ली है, 1/2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा आमचूर पाउडर लिया है। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। फ्रेंड्स, क्योंकि हमने फ्रोजन कॉर्न्स लिए हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा वॉर्म वाटर ले लिया है। इसमें मैं ये कॉर्न्स थोड़े भिगो दूँगी। ये 5 मिनट के लिए मैं इसमें भीगे रखूंगी। इसमें जितनी देर हमारे ये कॉर्न सॉफ्ट होते हैं, उतनी देर में हम मैदा और कॉर्नफ्लावर को मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने मैदा और कॉर्नफ्लावर मिक्स कर लिया है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। इसमें हम नमक मिला देते हैं, काली मिर्च भी डाल देंगे, और ये लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये हमने पूरी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम ऑयल को थोड़ा गर्म कर लेते हैं पैन में। फ्रेंड्स, ये हमारा ऑयल गरम हो चुका है। आइए अब हम कॉर्न्स को निकाल लेते हैं। ये हमारे कॉर्न्स तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसको इसमें डाल दूंगी। क्योंकि हमने कॉर्न्स जो है फ्रोजन लिए थे, तो उनको भिगो दिया था, वो पहले से ही थोड़े सॉफ्ट हैं और भीगे हुए हैं। तो अगर ये आपको ड्राई लगे तो आप इसमें थोड़ा पानी डाल सकते हैं। मैंने अभी पानी नहीं मिक्स किया, क्योंकि हमारे पहले से ही भीगे हुए हैं कॉर्न्स। थोड़ा सा चम्मच से हिलाते हुए फिर हम इसको हाथ से मिक्स कर देंगे। अब ये थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, तो हम थोड़ा सा पानी इसमें डाल सकते हैं। अभी भी ये थोड़ा ड्राई लग रहा है, तो थोड़ा सा पानी मैं इसमें और मिक्स कर देती हूँ। ये देखिए, अब ये बिल्कुल फ्राई करने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको कढ़ाई में डालेंगे। क्योंकि इनमें थोड़ा पानी हमने डाला था, तो ये उछल रहे हैं, हम इसको थोड़ा कवर कर देते हैं ढक्कन से। देखिए, ये गोल्डन ब्राउन कलर के हो चुके हैं, इसका मतलब ये बन चुके हैं। अब हम इसको निकाल देंगे। एक्स्ट्रा घी हम इस तरह से निकाल देंगे। थोड़ा इसको ध्यान से करना है, क्योंकि बीच में पानी होने की वजह से ये उछलते हैं थोड़े से, इसीलिए मैंने इस पे इसके ऊपर लिख दे दिया था। हमारे ये कॉर्न्स फ्राई होकर बहुत ही अच्छे तरीके से बने हैं, गोल्डन ब्राउन कलर है इनका। बस ये थोड़ा ध्यान रखना है, ये उछलकर बहुत पड़ते हैं अपने ऊपर, पड़ने का डर रहता है,
तो इसलिए इसको ढक्कन से आपने ढक देना है। जब आप इसको कढ़ाई में डालते हो तो ऊपर से इसका लिड दे देना है ताकि ये उछल कर आपके ऊपर ना पड़ जाए। अब इसमें हम प्याज मिक्स कर देंगे। प्याज ऑप्शनल है, अगर आपको वैसे ही अच्छा लगता है तो वैसे ही ये बहुत टेस्टी बनते हैं। अगर आपके बच्चे प्याज खाना नहीं पसंद करते तो बिना प्याज के इसके ऊपर चाट मसाला और थोड़ा आमचूर पाउडर डालकर ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। लेकिन मैंने इसके अंदर थोड़ा प्याज डाल दिया और साथ में ये आमचूर पाउडर। और थोड़ा चाट मसाला डाल देना है। तो आप ये घर में ज़रूर ट्राई करें। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखकर भेजें कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी और आपको कैसी लगी, ताकि मुझे थोड़ा पता चलता रहे कि आप मेरी रेसिपीज़ बनाकर देखते भी हैं या नहीं। देखिए, ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। आप भी इसको ज़रूर बनाकर खाकर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।